वेलकम बैक इस वीडियो लेक्चर में भी हम अल्फा बीटा पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम यहां से ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं ए है थ्री बी है माइनस सिक्स और सी है फोर और सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी बाय ए जो कि बनेगा माइनस माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री टू और अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाय ए फोर बाय थ्री अब हमसे ये वैल्यू मांगी गई है इसको अब ध्यान से लिखते हैं ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस टाइज वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस थ्री एल्फा बीटा है हम इन दोनों टर्म्स के एल्सियम ले लेंगे इन दोनों टर्म्स का एल्सीय ले लेंगे और यहाँ पर इसका एल्सीम ले, ले लेंगे और इस तरह से हमने इसको तीन पार्ट्स में सॉल्व कर लिया है अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है अल्फा बीटा भी मालूम है यहाँ पर भी हमें बीटा मालूम है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मालूम नहीं है इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा इसमें यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एल्फा बीटा यानी फोर बाय थ्री और फोर माइनस एट डिवाइड बाई थ्री ट्वेल्व माइनस एट डिवाइडेड बाय थ्री और फोर डिवाइडेड बाय थ्री इस तरह से एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है फोर डिवाइडेड बाय थ्री अब इसे हम यहाँ यूज कर लेंगे यहाँ आ जाएगा फोर डिवाइडेड बाय थ्री एल्फा बीटा की वैल्यू भी फोर डिवाइडेड बाय थ्री है प्लस ट्वाइस सम ऑफ बीटा फोर डिवाइडेड बाय थ्री प्लस यहाँ पर आएगा फोर डिवाइडेड बाई थ्री ये थ्री और ये थ्री कट जाएंगे यहाँ पर फोर बाय थ्री इस फोर बाय थ्री से कट के वन में बदल जाएगा यहाँ पर ये फोर डिवाइडेड बाय फोर और थ्री न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ से फोर आ गया इस फोर एंड फोर को भी कैंसिल कर देते हैं तो वन प्लस थ्री प्लस फोर और आंसर आ गया एट एंड दिस इज द आंसर